मैथमेटिक्स का मुश्किल से मुश्किल सवाल का बिल्कुल आसान तरीके से हल निकालने के लिए इस चैनल को विजिट करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब गुलाबी सुंडी का बहुत शोर शराबा मचा हुआ है, बहुत ज्यादा समस्या आई हुई है। रोज आपको यूट्यूब पे आप पूरी दो पैर वीडियो देख देख के निकाल सकते हैं। इस भाई ने किसान गर्मे की फसल खेत में बाधी, इसने ये हो गया, पंजाब में ये हो गया, फलाना ये हो गया, सब कुछ चलता रहेगा। हमें निगरानी करनी है। निगरानी के तीन तरीके हैं। एक आपको पैम्पलेट जो मेरा ही बनाया है, खेती बाड़ी विभाग ने आपको दिया है साइज पढ़ने के लिए, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ लेना, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी चीज़ यहाँ तक आप तक पहुँचा रहे हैं। तीन तरीके से आपको मॉनिटरिंग करनी है। पहले फेरोमोन ट्रैप, दो ट्रैप प्रति एकड़ अगर लगाने हैं। फेरोमोन ट्रैप एक प्लास्टिक का फनल साइज का ट्रैप आता है, उसके नीचे एक पॉलीथीन की थैली है, उसके अंदर एक कैप्सूल है और कैप्सूल में मादा की खुशबू है। भाई जो फेरोमोन ट्रैप है उसके अंदर जो कैप्सूल डलता है, उस कैप्सूल के अंदर मादा की खुशबू है, और उस मादा की खुशबू से जो नर पतंगे हैं वो आपको उस ट्रैप में आके फंस जाएंगे, क्योंकि वो संभोग के लिए या अपना जीवन चक्र आगे चलाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए वो मादा को ढूंढते हैं। और कीड़ों में जो जैसे आदमी अपनी कोई भी बात बोल करके प्रकट करता है, बताता है, कीड़ों की भाषा है वो केमिकल के थ्रू है। वो अपने शरीर से अलग अलग तरह के केमिकल छोड़ के एक दूसरे से बात करते हैं। तो कोई भी माता है जब उसका संभोग या बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति होती है तो वो अपने शरीर से खास तरह की खुशबू छोड़ती है, और उस खुशबू को सूंघ करके जो नर कीट है वो उसकी तरफ भाग के आते हैं। तो अगर आपने अपने खेत में दो फेरोमोन ट्रैप लगा दिए, उसके अंदर वो कैप्सूल डाल दिया जो सिर्फ 15 से 20 रुपए का है, उस कैप्सूल की खुशबू से जो नर पतंगे वहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर आपको उसके अंदर 5 से लेके 8 पतंगे लगातार 3 दिन दिखाई देते हैं, 5 से 8 पतंगे लगातार 3 दिन दिखाई देते हैं, तो आपको गुलाबी सुंडी के लिए छिड़काव करना ही करना है। 5 से 8 पतंगे आपके ट्रैप के अंदर लगातार 3 दिन सुबह, जैसे आज आप खेत में गए आपको 5 से 8 के बीच में मिल गए, तो आपको कल जरूर जाना पड़ेगा। जब तक 5 नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप 2 दिन छोड़ के भी जा सकते हो, 4 दिन छोड़ के भी जा सकते हो। जिस दिन 5 से 8 के बीच में मिल गए, वो 5 से 8 थैली को खोल के बाहर निकाल के फेंक दो, थैली को नीचे से बंद कर दो, दोबारा जाओ, अगले दिन भी 5 से 8 मिल रहे हैं, तीसरे दिन फिर जाओ, अगर फिर भी 5 से 8 मिल रहे हैं तो सीधे मंडी में जाओ दवाई लेके आओ। क्योंकि एक बात बताता हूँ कि गुलाबी सुंडी का जो बचाव है सिर्फ और सिर्फ निरीक्षण है, मॉनिटरिंग है। अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग करके और टाइमली एक्शन करके तो उसको कंट्रोल कर दोगे, अन्यथा दोस्तों एक बार अगर ये टिंडे के अंदर चली गई तो ये बंकर के अंदर गई, उसके बाद कुछ भी करते रहना ये नहीं बनेगा। कोई बंदा कोई कंपनी कुछ भी क्लेम करे कि उसकी दवाई अंदर बड़ी सुंडी को अंदर घुसी सुंडी को मार देगी, यह कभी हो ही नहीं सकता, तो हमें सावधानी रखनी है। दूसरा हमारा तरीका है फूलों को देखना। आप खेत में जाते हैं सिर्फ आपको घूमते फिरते आम 20 फूल 100 फूल देखने, अगर 100 में से 10 फूल आपको गंभीरी की तरह जैसे देरना नहीं होता, देरना गांव में ऐसे देरना ऐसे 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 हुआ फूल दिखे बंद, इसको गंभीरी बोलते हैं या फिरकी की तरह बोलते हैं, रोजे फुलार बोलते हैं, अगर 100 में से 10 फूल उस तरह के दिखाई दे रहे हैं और उन फूल को आप खोल कर देखोगे तो उसके अंदर आपको क्रीम पीले या गुलाबी रंग की सुंडी भी दिखाई देगी, तब भी आपको छिड़काव है वो करना है। ये 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका है उसको देखने का, जब टिंडे लगने शुरू हो जाएंगे तो 10 से 20 दिन के बीच में जो टिंडे हैं वो 20 टिंडे आपको अपने आपने 10 किले में खेती की है, 5 में की है, 7 में की है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने खेत में घूमते हुए 20 उस तरह के टिंडे तोड़ लाओ, आराम से आके शीशम की छाया में बैठो, चाकू से उन टिंडों को खोलो, अगर 20 में से 1 या 2 टिंडे आपको अंदर से खराब या सुंडियाँ दिखाई दे रही है तो आपको छिड़काव करना जरूरी है। तो ये 3 तरीके हैं गुलाबी सुंडी के आक्रमण को पहचानने के। अगर जिसने ये पहचान लिए वो फसल को बचाना बहुत आसान है। सभी को पता है कि गुलाबी सुंडी एक नरम स्वभाव का कीड़ा है, ज्यादा सख्त कीड़ा नहीं है। जरूरी है कि ये पकड़ में आ जाए बात कब आ रहा है। गुलाबी सुंडी की जो माता है वो जो अपनी फूल डोडी है, फूल डोडी या फूल उसके आसपास अंडे देती है, उस अंडों से 7-8 दिन के बाद सुंडी निकलती है, और सुंडी सिर्फ 8 घंटे के लिए ही बाहर रहती है।
सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 घंटे सुंडी बाहर घूमेगी और उसके बाद सुंडी अंदर घुस जाएगी और अंदर घुसते हुए सुंडी अंदर घुसते हुए जहाँ से घुसी थी उस जगह वो बंद कर देगी और दुनिया का कोई वैज्ञानिक बाहर से बता नहीं सकता कि इस अंडे के अंदर सुंडी है या नहीं है। हाँ, जब वो सुंडी खा पी के और जब उसको पुपा बनना है, अगली अवस्था में जाना है, तब वो उसके अंदर से बाहर निकलेगी, तब वो बहुत बड़ा छेद बनाएगी जिसको निकासी द्वार बोलते हैं। उसके बाद तो कुछ बचना ही नहीं है, निकासी द्वार बन जाए तो खा पी के निकल गई है, तो इसके निगरानी जरूरी है। तो ये तीनों तरीके आपने अपनाने हैं। फेरोमोन ट्रैप पूरे रास्ते में देखता हुआ किसी किसान के खेत में लगा हुआ और ऊपर से कहते जमींदार भी तो मर ही मर है, मरते रहो, बताने वाला तो बता के गए, आप अपने खेत के राजा हो, आप अपने खेत के मालिक हो। कोई भी बात आपको बहादुर सिंह ने बताई, मैंने बताई, डॉक्टर सुखबीर भी बताएंगे, हमारा फर्ज आपको बताना है, उसको मानना और अपने खेत में लागू करना। तो आपके पास पावर है ना, तो वो तो आप ही करोगे। मुझे चंबा होता है कि मैंने इतने मेले इतने जगह पे 3 साल से फेरोमोन ट्रैप की कहानियां सुना रहा हूँ, सारे लोगों से लड़ाइयाँ करके सिरसा में हर दुकान में फेरोमोन ट्रैप उपलब्ध करवा दिए, कालावाली तक भी पहुँचाए, कौन कौन सी मंडी तक नहीं पहुँचाए। और मैं जब भी खेतों में जाता हूँ तो किसी किसान के खेत में लगे हुए नहीं मिलते, तो आपको पता कैसे लगेगा सुंडी कैसे आई है? क्योंकि एक किसान भाई का खेत की उम्र, फसल की उम्र 30 दिन की है और मेरे दूसरे भाई के फसल की उम्र 75 दिन की है। दोनों के छिड़काव का तरीका, पानी देने का तरीका, खाद देने का तरीका कभी भी मैच नहीं कर सकते। अगर आपको लगे कि आप नैन साहब ने छिड़काव कर दिया, ये सस्ता गए थे दुकान से दवाई लेके आए, तो कोई जरूरी नहीं आपको भी लेके आनी। क्या पता आपने लेट पानी लगाया हो, आपने पहली यूरिया की खुराक लेट दी हो, आपकी फसल की जो वृद्धि है, जो बढ़वार है, वो थोड़ी आगे पीछे हो। तो ऐसा करके हमें कभी नहीं करना। तो सबसे पहले आपके खेत को सर्वेक्षण कैसे करना है उसका एक छोटा सा तरीका बताऊंगा। जैसे इन्होंने दो कंपेटिबिलिटी के लिए आपको बताया था कि थोड़े से आधे गिलास में 5 ml दोनों चीज़ें डालोगे, अगर वो नहीं फटेगी और नीचे नहीं बैठेगी तो आपस में घुलनशील है, कंपेटिबल है, एक दूसरे को स्वीकार कर रही है और एक दूसरे की टांग नहीं खींच रही और उसका प्रयोग आप कर सकते हो। उसी तरीके से अपने खेत में 10 पौधों को निशानियाँ करनी है, कोई भी 10 पौधे रैंडमली खेत में 10 पौधों को निशानियाँ कर लो, उनको चाहे रिबन बांध दो, चाहे पॉलीथिन का लिफाफा बांध लो, कुछ भी कर लो, उनको निशानियाँ कर लो। सुबह सप्ताह में 1 या 2 बार जब भी खेत में जाते हो, उन 10 पौधों के 3-3 पत्ते, एक बिल्कुल ऊपर का पत्ता, एक बीच का और एक नीचे का पत्ता, उसको पलट के धीरे से उसके ऊपर आप जू हरा तेला सफेद मच्छर को बहुत ही आसानी से गिन सकते हो। कोई डरने की जरूरत नहीं है, पहली बार आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको 1/2 घंटा 40 मिनट भी लग सकते हैं, पर जैसे जैसे आपका तजर्बा बढ़ता जाएगा ये सारे 10 पौधे आप 20 मिनट के अंदर देख के आ सकते हो। तो जैसे 10 पौधों के आपने 30 पत्ते देखे, हर एक पौधे के 3 पत्ते हैं, एक ऊपर का, एक बीच का, एक नीचे का। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि कीड़े का अपना खाने पीने का सिस्टम है, कीड़ा कहाँ ज़्यादा मिलता है, अगर मैं सफ़ेद मच्छर की बात करूँ तो बीच में ज़्यादा मिलता है, अंडे बच्चे ऊपर मिलेंगे, फाका बीच में मिलेगा, कुछ कीट नीचे मिलते हैं, इस करके हम 3 पत्ते ऊपर बीच और नीचे से लेते हैं, तो टोटल 30 पत्ते आप देखोगे। 30 पत्तों पे आपको 300 से लेकर 600 जू दिखती है घूमती हुई, तो छिड़काव करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दवाई का पता लगाना है कौन सी करनी है। ऐसे ही 30 पत्तों के ऊपर आपको 60 हरे तेले घूमते दिखाई दे रहे हैं, लिख नहीं रहा कोई भी ये बात में, और कॉपी मैंने मंगवाई थी बहादुर सिंह की सारी चीज़ें लिख ली और मेरे बारे में कोई नहीं लिख रहा, गलत बात है ये बिल्कुल भी। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे कपड़े झाड़ के आते हो ना बैठ के कि अपने आप ही बता जाएगा, ये आदत छोड़नी पड़ेगी आपको, जब तक इसको नहीं छोड़ोगे ना नुकसान करोगे। तो 60 हरे तेले अगर आपको दिखते हैं 30 पत्तों पे तो आपको छिड़काव करना है, और सफेद मच्छर 180 से 240 सफेद मच्छर आपको दिखाई देंगे 10 पौधों के, तो आपको छिड़काव करना है, जिसको बोलते हैं आपकी कगार। अगर इससे नीचे संख्या है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पर आपको सावधान रहने की जरूरत है कि शायद जल्दी आपको छिड़काव करना पड़ेगा। जिस दिन ये संख्या पहुंच गई समझ लो आपका आर्थिक नुकसान शुरू हो गया है, जब तक कीड़ा इसके नीचे रहेगा आपको आर्थिक नुकसान है वो नहीं होने वाला है, आपको उस टाइम तक ज़्यादा चिंता नहीं करनी, पर जागरूक जरूर रहना। तो ये सबसे पहले सर्वेक्षण की बात की। अच्छा, 10 पौधों के 30 पत्ते, हर पौधे के 3-3 पत्ते, अगर पूरे खारिया में एक भी किसान कर लेगा तो मेरे यहाँ आने का फायदा हो जाएगा।
अगर एक भी किसान निशानी कर लेगा ना 10 पौधों की निशानी करके उसके पत्ते गिर के कीड़े देखना शुरू कर लेगा तो मुझे यहाँ आने का फायदा हो जाएगा। आज लोग हम इतने समझदार हो गए कि एक बार देखोगे आप जूम भी पहचान लोगे, सफेद मच्छर भी पहचान लोगे और हरे दलदल तो आप पहचानते ही हो, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है।